जी, तो हम पहुंच चुके हैं हरिद्वार फाइनली। तो यहाँ पे देव होटल के अंदर चेक इन करते हुए, ये होटल था रेलवे स्टेशन के जस्ट सामने, होटल गंगा करके। तो इसमें हम बैठे हुए थे, मैं और भावुश बाहर वेट कर रहे थे। देखो कितना चेक वेरियम फीस वगैरह मतलब ठीक था, सीसीटीवी वगैरह सब लगा हुआ था, सेफ था। और देव यहाँ पे चेक इन कर रहे थे, तो मैंने सोचा थोड़ा होटल का रिकॉर्ड कर लेती हूँ बाहर से, ये तो इसीलिए क्योंकि मॉर्निंग में निकलना था, इस चक्कर में कर लिया। तो फिर इसीलिए इन्होंने थोड़ा सा बोला ठीक है मैं कर लेता हूँ, तुम लोग बैठो। और ये इसके बाद हमने बाहर का थोड़ा सा व्यू दिखाने की कोशिश की। रेलवे स्टेशन है जस्ट सामने, उसका ब्रिज था और कंटिन्यू देखिए आप। उसके बाद हम होटल में जा रहे हैं ऊपर रूम के अंदर। मैं आपको होटल का रूम दिखाती हूँ कैसा है। यहाँ से देखिए एक एक लिफ्ट से ऊपर आए थे, उसके बाद वो सामने जो रूम खुला हुआ हमारा था, तो इसका फाइनल व्यू आपको दिखाते हैं। इसमें हमने नाइट स्टे किया था हरिद्वार के अंदर, आप देखना आराम से मतलब कैसा है कैसा नहीं, ये आप देखिए। बहुत ही कंजेस्टेड था ये होटल, देखिए आपने। सुबह हम उठ के, ये अभी अर्ली मॉर्निंग मैंने सूट किया, नाइट में तो इतना टाइम था ही नहीं कि हम सूट कर पाते। तो देखिए इसमें एक वैसे तो सुविधाएं सारी थी, पर कंजेस्टेड इतना था कि ऑक्सीजन सप्लाई बंद हो रखी थी अंदर, ऐसा लग रहा था जैसे घुटन टाइप में। तो यहाँ से मैं अपना सामान पैक करके निकलते हुए मैंने सोचा चलो मैं दिखा देती हूँ, मिरर वगैरह है, देखो टॉवल्स हैं, तो सब आप देख सकते हैं। फाइनली आई एम रेडी। उसके बाद हम हर की पैड़ी पे जाते हुए, इसके बाद हर की पैड़ी पे आपको पूरा सूट कराएंगे। ये था होटल का फाइनल व्यू जी। तो हम हरिद्वार में होटल से निकल चुके थे, तो यहाँ पे पता है हर की पैड़ी तक है ना सीधा कार लेके नहीं जाने देते, पहले आपको कार पार्किंग करनी पड़ती है 1.5 किलोमीटर के आसपास पहले ही। तो हम यहाँ पे कार पार्क कर रहे थे, इसलिए मैंने ये थोड़ा सूट किया। और ये ज़रूरी इन्फॉर्मेशन भी है भाई, कार लेके चले जाएँ तो थोड़ा 1-1.5 किलोमीटर आपको पार्किंग करनी पड़ेगी, ई रिक्शा मिल जाएंगे आपको आगे कहीं भी जाने के लिए। तो यहाँ पे आप पार्किंग होती, यहाँ पे पार्किंग होती है। उसके बाद हम चल रहे थे, फिर मेरा कैमरा फिर से टेढ़ा मेढ़ा हो गया, मैंने ध्यान ही नहीं दिया, नोटिस किया ही नहीं मैंने इसको। मैंने ई रिक्शा तक जाते हुए थोड़ा सा सूट करने की कोशिश की, बीच में पुलिस वाले बैठे हुए थे तो थोड़ा सा उनको देखते हुए मैं निकलते ही देखो सामने ई रिक्शा खड़ी हैं, अभी आपको हर की पैड़ी तक लेके जाएंगे। उसके बाद फिर मैं कंटिन्यू रखा फ़ोन को, और यहाँ पे हम पूछ रहे थे कि कितनी दूर तक जाओगे, वो बोले आप पैदल जाना चाहो तो पैदल भी जा सकते हो, 1.5 किलोमीटर के आसपास पड़ता है, उससे ज़्यादा कुछ नहीं है। तो इसलिए हमने सोचा चलो हायर ही कर लेते हैं रिक्शा। अभी रिक्शा के अंदर हम बैठ चुके थे, 20 रुपये लेते हैं रिक्शा। देखो आपने पुलिस वाले देखे ना पीछे, तो ये रास्ता बस सीधा स्ट्रेट जाएगा हर की पैड़ी तक, आगे मनसा देवी का टेंपल भी है, सारी मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं आगे देखने के लिए, तो ये सीधा जा रहा था। तो मैंने सोचा थोड़ा सा सूट कर लेती हूँ रास्ते को। इसमें देखो आसपास मतलब अभी खुलने लगी थी दुकानें, क्योंकि अर्ली मॉर्निंग 7 o'clock के आसपास का टाइम था हमारा, तो दुकानें धीरे धीरे खुल ही रही थी, कोई खुल रही थी कोई मतलब अभी शटर लगा हुआ था, तो इसीलिए। उसके बाद आप देख सकते हैं साइड से भी लोग मतलब ई रिक्शा बहुत मिल जाएंगे आपको, और 20 रुपये चार्जेज है। यहाँ पे जी हमें ई रिक्शा वाले ने उतार दिया, यहाँ से बस 100 मीटर की दूरी पे हर की पैड़ी का स्टार्टिंग हो जाएगी, यहाँ पे वो उतार देते हैं, इससे आगे नहीं जाने देते, पुलिस वाले बैठे रहते हैं। तो उसके बाद यहाँ पे देखो फूल वगैरह किसी को चढ़ाने हो गंगा जी में, या दिया लगाना हो, कुछ भी सब मिलेगा यहाँ पे, गंगा जल की बॉटल्स खाली मिलेंगे आपको वहाँ पे, वहाँ से आप भर के ला सकते हो। देखो कितने सारे फूल वगैरह सब मतलब उसमें केले के पत्ते में लिपटे हो, बहुत सारे मिलेंगे। मैं यहाँ पे यही देख रही थी, सामने से भी व्यू था, देखो खच्चर वगैरह भी हैं, मतलब अगर आपको जिस टाइप की सुविधा चाहिए सारी थी इसके अंदर। और देखो रिक्शा वाले काफ़ी दूर जा रहे थे, कुछ रिक्शा वाले ऊपर तक भी जाने की कोशिश कर रहे थे, पर पुलिस वाले उनको रोक रहे थे बीच बीच में, तो इसीलिए मैंने थोड़ा सूट के। फिर देखो हमारे हरियाणा के टाइप के भी लोग थे उधर, तो इसीलिए फिर बीच में मैंने वो चेंज वाले को देखा, तो मैं देव को बोलने लगी कि हमें भी चेंज ले लेना चाहिए थोड़ा उसमें डालने के लिए, जैसे बीच में काफ़ी लोग मिल जाते हैं उनको देने के लिए, तो आपको चेंज की टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे चेंज करके दे देंगे। फिर ये बात करने लगे बोला चेंज वगैरह, फिर इस चक्कर में हमारा चल ही रहा था। तो फिर मैं साइड का व्यू दिखाने लगी थी थोड़ा, फिर देखो दुकानें खुल चुकी हैं यहाँ पर, इस पर भी ये मतलब ये रास्ता, ये फाइनली ये जो दिख रहा है ना चौराहा, यहाँ पे आपको रिक्शा छोड़ देती है, इससे बस 10-20 मीटर की दूरी के ऊपर ही हर की पैड़ी स्टार्ट हो जाएगी। जो स्टार्ट होगी वो मैं आपको दिखाती हूँ। इसमें अभी चेंज निकाल रहे थे तो मेरा फ़ोन एक साइड था, यहाँ पे देखो ये अंकल जी बैठे हैं ना, मैं अभी आपको दिखाऊंगी, वो चेंज देंगे 10 रुपये का भी, 50 का भी, 100 का, आपको जितने का भी चेंज चाहिए सारा चेंज करके देंगे। पहले तो हमने सोचा 100 के करवा लेते हैं, फिर 10 के करवा लिए 1-1 रुपये वाले, तो फिर बोले ठीक है 10 वाले करवा लेते हैं। इसमें मैं आपको फिर यहाँ से ये जाते हुए बोला चलो मैं चेंज करा के लाता हूँ, तुम लोग यहीं खड़े हो जाओ। फिर मेरे को बार बार भावेश को भी ढूंढना पड़ता है ना, वो हाथ छुटा के भाग जाते हैं इधर उधर,
देखो ये अंकल चेंज कर रहे, ऐसे ये ऐसे पैसे लेके बैठे रहते हैं, चेंज कर देते हैं। इसमें देखो 10 रुपये के चेंज दिए इन्होंने तुरंत। हाँ उनको 10 रुपये दे दो, 10 रुपये का चेंज दे देंगे। फिर यहाँ से हम आगे जाते हुए तो देखो ये जो पिपियाँ मतलब जो प्लास्टिक बॉटल्स होती हैं ये मिल जाती हैं आपको। दुकानें देखो कितनी सारी ओपन हैं, तो आपको जिस भी टाइप की चीज़ें चाहिए साथ साथ में आपको ढाबे वगैरह खाने की सुविधा ब्रेकफास्ट वगैरह के लिए सब मिलता जाएगा यहाँ पे। तो इसीलिए चेंज दे गया था। फिर उसके बाद हम चलने लगे थे, फिर ये बोले चलो बोतल ख़रीद लेते हैं किसी शॉप पे जाके, क्योंकि भर के भी लानी होगी। फिर मैंने बोला चलो वहाँ से ख़रीदते हैं आगे जाके। तो इसीलिए देखो रेस्टोरेंट भी है, अरे इस साइड में लेफ्ट साइड में जो रास्ता जा रहा है ये मनसा देवी जाता है ये वाला रास्ता, और थोड़ा सा वो सामने बाउंड्री दिख रही है ना वो हर की पैड़ी का है। तो इसीलिए और देखो यहाँ पे काफ़ी लोग घूम भी रहे थे बहुत, मतलब थोड़ा रस ठीक ठाक था, ज़्यादा नहीं था जितना सावन के टाइम पे होता है ना उतना नहीं था। बाकी पुलिस आपको हर जगह मिल जाएगी, इसमें खड़ी हुई थी हर जगह पुलिस, उत्तराखंड पुलिस इसमें सभी मतलब सभी जगह अवेलेबल थी। इसमें आगे देखो मैं थोड़ा सूट भी कर रही थी फिर बीच में बात भी करने लग रही थी क्योंकि फाइनली हम एंट्री करने जा रहे थे। यहाँ पे स्लीपर्स आपको निकाल के जानी पड़ती है, बीच में पैर धुल जाएंगे आपके। देखो बीच में पानी भरा हुआ दिख रहा है ना, तो ये सिर्फ हर की पैड़ी के, वैसे बहुत सारे घाट मिलेंगे पर हम सिर्फ हर की पैड़ी पे ही आए थे तो यहाँ पे हम स्लीपर्स के लिए कर रहे थे। मैं चलो स्लीपर्स निकालते हैं, फिर ये बोले कि हम गारंटी नहीं लेंगे आपके स्लीपर्स के, आपको वहाँ पे कोई रूम है उसमें जाके अपना बैग भी रख के आ सकते हो स्लीपर्स भी। फिर मैं सोचा चलो कुछ नहीं है चलो यहीं पर रख देते हैं क्या दिक्कत है, ये बोले ठीक है। फिर उसके बाद हाथ पैर धुलने के लिए साइड में टैप वगैरह लगे, ये उनसे बात कर रहे थे कि स्लीपर वगैरह के लिए, तो ये कह रहे थे नहीं हमारी कोई गारंटी नहीं है आपको वहाँ जाके, पीछे जाके इशारा भी कर रहे थे भैया। तो उस चक्कर में बोले हमारी गारंटी नहीं है, हम थोड़ी देर यहाँ हैं उसके बाद कहाँ ड्यूटी हो गया हमें नहीं पता, इसी टाइप की कुछ। देखो पीछे जो पानी है ना इतना ठंडा पानी था बहुत, मतलब मजा आया। फिर बाद में ये बोले चलो हम यहीं निकाल के चलते हैं, तो मैं बोले ठीक है यहीं पे निकाल देते हैं। वो बैठे ना उनके नीचे टेबल के नीचे निकाल दी थी फिर हमने चप्पल, पर हम जब तक वापस आए ना तब तक टेबल भी गायब थी पर चप्पलें मिल गई थी, बस ये था। अब इसमें देखो क्या हो गया, मैंने ध्यान ही दिया, वो स्लीपर्स निकाल रहे थे पीछे, फिर मैं भी निकालने लगे, भाविश भी निकाल रहे थे अपने यहाँ पर। एक चीज़ पुलिस आपको बैठी हुई मिल जाएगी तो टेंशन नहीं है, स्ट्रेस नहीं है, थोड़ा सा चोरी चारी का इस टाइप का कुछ नहीं हुआ। अब इस पानी में आपके पैर धुलते हुए जाएंगे, थोड़ी सी जगह भरा है पर बहुत ही ठंडा है ये पानी। और इसके बाद देखो ये बोरियाँ हैं, इसमें आपके पैर पोछ भी जाएंगे मतलब स्लिप नहीं होंगे। फिर इस पर से आप जा, काफ़ी लोग देखो नहाते हुए आ रहे थे, फिर हम भी हर की पैड़ी पे पहुँचने के लिए। इतनी देर में हमें एक पंडित जी मिल जाते हैं, वो बोलते चलो आप यहाँ से नहा लो यहाँ से चले जाओ। पहले मैंने सोचा हम यहाँ से उतर जाते हैं, फिर ये बोले नहीं यहाँ पर काफ़ी रश है दूसरी साइड जाके देखते हैं। तो देखो आप यहाँ का व्यू कितना अच्छा लग रहा था, सुबह सुबह अर्ली मॉर्निंग थी ना, तो आप देखो सूर्यदेव था भी ढंग से नहीं निकले थे, बस ऐसे ही चल रहा था कि हाँ मगर ठीक है। देखो घाट का नज़ारा कितना अच्छा है, देखिए आपको सिर्फ यहाँ पे ना केसरिया केसरिया रंग दिखेगा और कुछ नहीं, भगवा रंग जो बोलते हैं वो सभी ही दिखाई दे रहा था यहाँ पे। तो फिर हमने सोचा चलो यहाँ से नहीं थोड़ा आगे से जाके फिर उतरते हैं, क्योंकि यहाँ पे बहुत रश था निकलने की जगह ही नहीं थी। फिर हम जैसे ही वहाँ पे पहुँचे तभी हमें एक पंडित जी मिल के बोले अरे आप नहाने के लिए आए या फिर मतलब कुछ और भी हवन वगैरह या पूजा वगैरह कुछ और करवानी है, तो हमने मना कर दिया नहीं हमें पूजा वगैरह तो कुछ नहीं करवानी। फिर बोले ठीक है तो आप यहाँ से जाइए यहाँ से उतर जाइए और इसके पास आप सामान रख सकते हो इस टाइप में। तो हम देख ही रहे थे इतनी देर में, वो पंडित जी सामने दिख रहे ना वाइट कुर्ता पजामा, वो तुरंत हमारे पास आते हैं। अभी आप देखने वो आएंगे, हम जैसे उतरने लगेंगे ना तब आते हैं। फिर बोलते हैं अरे आप यहाँ से आ सकते हो देखना, यहाँ पे ये ट्रस्ट वगैरह के लिए बैठे रहते हैं, अगर आपको ट्रस्ट में कुछ पैसा देना है या कुछ भी तो इसे देखो ये पंडित जी आते हैं, बोला अरे आपको चलना है नहाना है या क्या करना है तो चलो आप यहाँ से जा सकते हो। तो फिर हम वहीं से उतर जाते हैं, देखो इनके कहने से ये वो पंडित जी हमारे साथ साथ आते हैं, यहाँ पे नीचे ये बैठे रहते हैं, इनके पास हमारा सामान रखवा देते हैं। देखो हम यहाँ पे बैठे रहते हैं काफ़ी सारे लोग, देखो देखो कितना अच्छा है बताए यहाँ पे। देखो बहुत सारे पंडित मिल जाएंगे आपको पूजा पाठ करवाने के लिए, तो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, जितना रश है उतने ही पंडित हैं तो आपको मिल जाएंगे यहाँ पे। तो ये हमें बता रहे थे कि आप इनके पास सामान रख दीजिए, आप नहा लीजिए उसके बाद गंगा जल भर लीजिए
तो इस टाइप में कुछ बोल रहे थे, तो मैं देख रही थी मैं बस कैसा है क्या नहीं। फिर ये बोले ठीक है चलो हम कपड़े हर बैग यहीं पे रख के जाते हैं। गंगा जल भरते हुए फाइनली हम नहा के निकल रहे थे। मैं भी नहा चुकी थी, ये भी नहा चुके थे गंगा जी में, डुबकी लगा चुके थे। तो ये बोले चलो मैं गंगा जल भर के ला देता हूँ, तो इसलिए यहाँ पे गंगा जल भर रहे हैं। आप देखिए वो मुझे कैन ला के देंगे, फिर उसके बाद ये छोटी छोटी प्लास्टिक की बॉटल्स थी तो वो भी ला के देंगे। उसके बाद फिर मैं इनको पकड़ के इनके ऊपर कैप वगैरह लगा रही थी, पंडित जी के पास ही रेफर किया था। बाद में उन्होंने फिर हमारा तिलक विलक किया, उन्होंने ही उन्हीं पंडित जी ने, उनसे हमने पूजा भी करवाई है। पीछे के क्लिप में आपने देखा होगा वो थोड़ा अपनी तरफ से करते हैं, तो ठीक है मगर अच्छा है, थोड़ा सा अच्छा लगा। अभी देखिए मैं इन पे कैन लगाती हूँ, ऐसे मिलते हैं हर हर महादेव की। देखो भाविश ने चैन पकड़ रखी है यहाँ पे, ये अच्छी सुविधा है कि आपको चैन पकड़ने के बच्चे के लिए आपको अच्छे से मिलता। पानी बहुत ठंडा था, चिल्ड आइस के जैसा था, आप देख सकते हैं। उसके बाद हम यहाँ पे भाविश बोला मैं भर के लाऊंगा एक बोतल, तो एक बोतल भाविश भर रहा था यहाँ पे कंटिन्यू। उसके बाद ये भी भर के ला के मुझे दे रहे थे, फिर बोले चलो ठीक है चलते हैं, उसके बाद देखते हैं। Thank you.
चेंज ये वाला नज़ारा फाइनली जब हम गंगा जी पे नहा चुके थे चेंज करने के बाद का है, तो उसके बाद फिर मैंने सोचा पूरा एक बार रिकॉर्ड करती हूँ। आप देख सकते हो पूरा गंगा घाट है, मतलब हर की पैड़ी का जो घाट है वो ऐसा दिखता है। तो इसमें आप देख सकते हैं यहाँ से मैंने थोड़ा इसको कैप्चर करने की कोशिश। अभी हम यहाँ से वापस जाते हुए तो जैसे हम बाहर की साइड निकले देखो फिर से वही शॉप्स वगैरह स्टार्ट हो चुकी हैं। फिर भावेश बोला मुझे ये लेना है ये चिड़िया टाइप की, तो इसको एक ये दिलाई। उसके बाद फिर मैंने सोचा थोड़ा सा ये देखो एक ओवर ब्रिज भी है उधर पीछे वो दिखाई दे रहा है। फिर इधर देखो शॉप सब सारी ओपन हो चुकी, तब तो बंद था तब हम गए तब। फिर इससे मैंने शंख लिया, मैं शंख का प्राइस पूछी थी उन्होंने 100 रुपये में एक शंख दिया मुझे, मैं लेके आई। सारी चीज़ें थी जो पत्थर से बनी थी तो अच्छा लग रहा था, पत्थर बोलते पता नहीं क्या बोलते इसको, कोड़ी टाइप में। देखो ये कितनी सारी चीज़ें आप खुद ही देख लीजिए, मुझे थोड़ा कम पता है ये क्या चीज़ें हैं। मैं इसका भी प्राइस पूछ रही थी, फिर ये बोला इसको आप घर में नहीं रख सकते, इस वाले शंख को घर में रखने के लिए आपको वाइट शंख लेना पड़ेगा, तो इसीलिए फिर मैंने वही लिया। उनको भी पूछ के फिर मैंने वापस रख दिया इसको। देखो कितनी सारी छोटी छोटी देवी देवताओं की मूर्तियाँ वगैरह सब रखी हुई थी, मुझे अच्छी भी लग रही थी। आईना देखो आप पीछे कितना सुंदर था। उसके बाद फिर हमने फाइनली इसको ले लिया। हम शांति कुंज भवन जाते हुए इसमें पता है कोरोना की रिपोर्ट वगैरह और वैक्सीनेशन की रिपोर्ट सब चाहिए, और भाई फुल ड्रेस में ही अलाउ है, आप कपड़े वपड़े में नहीं जा सकते, एंट्री नहीं है। यहाँ पे एक छोटा सा ये क्या बोलते हैं फाउंटेन टाइप झरना टाइप का कुछ लगा रखा है, तो उसमें भावेश बोला मुझे यहाँ खड़े होकर फ़ोटो खिंचानी है। मैंने उसकी वीडियो बना ली, उसको पता ही नहीं तो बेचारा फ़ोटो के लिए पोज दे रहा था। फिर मैं उसको बोल रही थी मास्क उतारो थोड़ा सा, ये ठंडा ठंडा पानी गिर रहा था, धूप के अंदर बहुत धूप लग रही थी यहाँ पे।
यहाँ के क्लिप में आप देख रहे हैं, ये एक छोटा सा पता है, इसमें अंधेरा था, लाइट नहीं थी, इसको यहाँ पे फ़ोन लाना बेलाव नहीं था, मैं बड़ी चुपके से एक वीडियो बनाई। ये हिमालय देव मतलब जो है उनके दर्शन के लिए छोटा सा ये नज़ारा क्रिएट कर रखा है, बहुत अच्छा है। गंगोत्री कहाँ से निकलती है पूरा दिखा रखा है इसके अंदर, पर मैं सूट नहीं कर पाती, प्रॉपर मना था यहाँ पे। अब हम यहाँ से वापस जाते हुए जलंधर, उसके बाद हमने सोचा अब ज़्यादा नहीं घूमें क्योंकि भावेश की तबीयत डाउन सी लग रही थी, तो इसलिए सोचा चलो तो वापस चलते बा